एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी फूड्स। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी पोहे की रेसिपी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप पोहा और उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 नींबू का रस। तो देखिए मैं यहाँ पे नींबू डाल देती हूँ और उसके बाद अच्छे से अपने पोहे में मिक्स कर लेती हूँ इसे। तो यहाँ पे मेरा नींबू मिक्स हो चुका है और यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़ी सी मूँगफली। ये मूँगफली बहुत अच्छी लगती है पोहे में और मैंने इनको थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ा सा ज़ीरा, राई, कड़ी पत्ता और अपनी प्याज। तो अब मैं अपनी प्याज को कलर चेंज होने तक भून लूँगी थोड़ा सा। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी शिमला मिर्च और आलू, अपने पसंद की कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं। और अब इसमें नमक डालने के बाद इसको ढककर मैं जब तक पका लूँगी जब तक सब्जियाँ सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पे सब्जियाँ सॉफ्ट होने लगी हैं हल्की हल्की। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स और धनिया पाउडर। उसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हल्दी पाउडर और 1 सैशे मैगी मसाले का। उसके ऊपर मैं डाल देती हूँ टमाटर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैगी मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो इसे ज़रूर डालना। और टमाटरों को मैं थोड़ा ही सॉफ्ट करना है, मैं ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। तो यहाँ पे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके थे। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है अपना पोहा और ऊपर से मैंने डाल दिया है मूँगफली और किशमिश। किशमिश भी बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करती है। और देखिए यहाँ पर मतलब पोहा बन के बिल्कुल तैयार है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।